नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज, में हूं निहारिका सिंह। बख्तियारपुर में प्रार्थना सीमेंट के प्रबंधक पवन सिंह के द्वारा मेगा स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने इस मेगा स्कॉलरशिप में भाग लिया। आपको बता दें कि यह अपने आप में एक अनूठी पहल थी, जिसकी सराहना पूरे बख्तियारपुर के आम जनमानस के द्वारा की जा रही है। जब कुछ छात्र छात्राओं से इस मेगा स्कॉलरशिप के बारे में बात की गई तो उनका जोश हाई था और छात्राएं उत्साहित नजर आईं। दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सोसाइटी टू इंस्पायर आवर यंग जनरेशन। तो आपको लगा था कि आपका एग्जाम इतना अच्छा जाएगा? या आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा प्रिपरेशन था आपका? या अच्छा था, क्वेश्चन ठीक था। जिन्होंने ये स्कॉलरशिप का आयोजन किया उनके लिए अच्छा किया, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का सहयोग मिलेगा उनके द्वारा। जिन्होंने ये स्कॉलरशिप का आयोजन किया? पवन कुमार सिंह सर। यहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर अक्सर ये काम हम करते रहते हैं, छोटे मोटे स्तर पर करते रहते हैं, तो इंस्पायर तो वहीं से मिला मुझे। और ये चीज़ ऐसा है कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि हमेशा करते ही रहेंगे इस चीज़ को, प्रत्येक साल भी ये चलेगा मेरा ये। तो आप लोगों का सहयोग और जो भी मेरे स्टूडेंट आए उसका भी सहयोग, हमारे कुछ साथी जो कि इसमें भागीदारी बने उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर स्टूडेंट लोग जो आए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सक्रिय कार्यकर्ता और आमजनों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे नालंदा के नगर नौसा पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू के सभी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलकर उनका हाल जाना और लोगों की समस्याओं को भी सुना। लेकिन इधर मेरे मन में बात आया कि पहले तो बराबर घूमते रहते थे, लेकिन अभी तो पूरे बिहार का काम देखते हैं, तो अपने पुराने इलाकों को एक बार और जाकर के हाल चाल ले लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। वैसे तो बीच बीच में कोरोना तो ढाई साल से शुरू हो गया, उसके पहले तो जो चाहते थे पार्टी कार्यालय में या अन्य जगहों पर आकर के मिलते थे, अपनी बात करते थे, लेकिन उधर काफ़ी दिन हुआ, तो इसीलिए हमने ही सोच करके ये कार्यक्रम की शुरुआत कराई। दौरा बीच में तो आप जानते हैं ना कि अभी वो चुनाव शुरू हो गया, तो इसलिए हम जिस तरह से औपचारिक रूप से करते अब वो नहीं कर सकते, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से एक जिसको कहिए कि सब जगह जाने का, देख लेने का, अच्छा ले लेने का। और आप सब लोगों को मालूम है कि जब कोई संकट आता है आपदा को ध्यान में रखते हुए हर तरह का हम तो हर साल देखते रहते हैं। नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चलाकर शराब के साथ शराब पीने वालों को पकड़ा है, जिनमें 3 महिला और 4 पुरुष के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि कुछ लोग शराब कारोबारी हैं तो कुछ शराब पीने वाले लोग हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम हुआ? ताजी का नाम? इधर कैसे आ गया? नगद भी कुछ बरामद हुआ? कहाँ का हुआ? किस मामले में यहाँ आकर पहुँचे? काम में हल्ला आ रहा था, पुलिस घुस गया और निकले थोड़ा देखने के लिए उधर लिया। कैसे यहाँ आ गए आप लोग? खेत पटा रहे थे। खेत पटाने में इसी कोई गिरफ्तार कर लेगा? कुछ दूर में भट्टी चल रहा था। शराब का भट्टी चल रहा था, आप लोग चला रहे थे? तो मोटर पानी छोड़ दिया, तो बड़ा आर्डर था, छोटा किसी पानी मोटर में भर के मोटर चालू। मोकामा प्रखंड में मरांची गांव में किसानों ने हाथी दह हावड़ा नई रेल लाइन के लिए आवासीय भूमि अधिग्रहण का जोरदार विरोध किया है। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के बावत आवासीय जमीन किसी भी सूरत में नहीं देने का ऐलान किया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों, किसानों और निर्माण कंपनी के पदाधिकारियों की मरांची गांव में हुई बैठक बेनतीजा रही। मामले में बाढ़ SDO कुंदन कुमार ने किसानों से लिखित रूप में विरोध आवेदन की मांग की है, ताकि वरीय अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जा सके। देखिए, किसान लोग
का यही एक ही मांग है कि ये जो अलाइनमेंट अभी वर्तमान में रेलवे का है वो इस तरह से अलाइंड है जिससे इनके आवासीय मकान वगैरह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और जो प्रपोज्ड भविष्य में जो जहाँ पे लोग रहेंगे वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जिसके कारण यहाँ के किसान काफ़ी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। इनका बार बार डिमांड हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों, किसान, रेलवे अधिकारियों, क्या हुआ है, क्या मुद्दा है? हमारे गांव में भारत सरकार का दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहा है। चारों बगल हमारे गांव का जो एग्रीकल्चर लैंड था लगभग सरकार ने उसको अधिग्रहण करके अपना प्रोजेक्ट चला रहा है और हमने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। हम लोग कहीं उसके बाधा में नहीं है, बट जो हम लोगों का वास का जमीन बचा। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक किनारे में एक अज्ञात युवक का शव बरौनी जीआरपी ने बरामद किया है। बताया गया है कि बरौनी और तेघरा स्टेशन के बीच दुलारवा धाम के पास रेलवे लाइन किनारे सुबह अज्ञात युवक का शव देखा गया। शव की सूचना पर पहुंची बरौनी जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर बेगूसराय भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई। हम दुलरुआ धाम से लाए, जो पीछे बीच से लाए आलू तो है ना भैया, जो पीछे बीच से लाए रात में, एक बजे के रात में जहाँ से उठाए ना ये आलू तो धर लीजिए, उन्हें दुलरुआ धाम धर लीजिए, उन्हें अथी धर लीजिए, पीछे भी फले के पीछे बीच में तरह उठाए नहन के नहन ना भैया नहन नहन के पलक। रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश कुमार पांडे ने होली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि रंगों का यह त्यौहार हम सब को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने रोहतास के अलावे पूरे बिहार वासियों को होली की बधाई दी और कहा कि रंगों का यह त्यौहार हम सबके जीवन में रंग भरे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्यौहार का आनंद ले, ये कामना करते हैं। मैं रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से होली का सभी देशवासियों और राज्यवासियों को शुभकामना देता हूँ और हमारी यही मंशा है कि सारे लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ होली मनाएं और सारे लोग स्वस्थ और खुश रहें, यही हमारी शुभकामना है और होली खूब खुशी से मनाएं सभी लोग, जो जहां है वहीं पर रहकर मनाएं। रोहतास जिला भाजयुमो के जिला महामंत्री सनी देवल चंद्रवंशी ने होली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आपसी भाईचारा और सौहार्द का यह त्यौहार हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। इस त्यौहार से पूरे क्षेत्र में सौहार्द का वातावरण फैले और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रंगों का यह त्यौहार मनाएं। होली के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी भाई बहन होली का त्यौहार शांतिपूर्वक से मनाएं। मैं सनी देवल चंद्रवंशी, जिला महामंत्री भाजपा युवा रोहतास। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़।